लगाए लगाए नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम न्यूज। इंडिया टाइम न्यूज में आपका स्वागत। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। बलिया जिले महायक्ष से समस्या दूर हो गए शिव कुमार बाबा दास। इंडिया टाइम न्यूज से संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता। यूपी जिला बलिया में चांद बाबा नवाका गांव सरैया में एक हफ्ते से महायज्ञ चालू है। शिव कुमार दास कहते हैं कि महायज्ञ से लोगों की मानसिकता को बदलेगी। हम लोग युवा पीढ़ी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं और इस युग में भी शामिल होने के लिए निवेदन कर रहे हैं। हमें उम्मीद है इससे कल्याण होगा। जी माता जी, अपना परिचय बता दीजिए। जिस प्रकार से यह यज्ञ हो रहा है, क्या आपको लगता है कि आपने जिस उद्देश्य के लिए यज्ञ किया है वो उद्देश्य आपका पूर्ण होगा? होगा। जी अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार यादव मुन्ना है। मैं यहीं का निवासी हूँ। मैं मेडिकल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ और इस यज्ञ में अपना योगदान दे रहा हूँ। लोगों को इसके लिए प्रेरित किया कर रहा हूँ और यज्ञ भगवान सबके लिए सद्बुद्धि लाएं, सबको उनके सत्संग में जुड़े, सदाचार में जुड़े, अच्छे कर्मों का कार्य करें। अपने युवा पीढ़ी हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, सब लोग अच्छे कार्य में पाएं। जो बुरा लत पड़ रही है उससे सत्संग करके उससे दूर हो। तो क्या आप इस यज्ञ के करने से आपको क्या लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी जो रास्ते से भटक गई है, आप उसको किस माध्यम से देखते हैं? सनातन धर्म में यज्ञ जो है पहले राजा महाराजा लोग किया करते थे। इससे जो है पूरी का काम होता था, सनातन धर्म की रक्षा होती थी, सनातन धर्म में लोगों की आस्था हुआ करती थी, लोग सत्संग से जुड़ते थे, लोग जो है अच्छे कर्मों की तरफ अग्रसित होते थे, लोग शिक्षाविद होते थे, लोग धर्म से जुड़ते थे और तमाम वेद विद्वान ज्ञाताओं से जो है उसका ज्ञान अर्जित करते थे, जिससे कि आगे की पीढ़ी सत्कर्मों की तरफ अग्रसित होती थी। इसीलिए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं इस क्षेत्र में यह यज्ञ हो, इससे लोगों की भावनाएँ अच्छे रूप में जाएं, परिणित हो, उन्हें सत्कर्मों की तरफ हम संदेश दें और इससे युवा पीढ़ी हमारी जो है जो भटक रही है, जो उसे अच्छे कर्म की तरफ जाए, अपने शिक्षा की तरफ जाए, अपने बेहतर रोजगार की तरफ जाए और अपने लिए खुद स्वयं एक अच्छा रास्ता तलाशे। हेलो, पर्चे बताने अयोध्या के लिए शास्त्री बड़े छावनी अयोध्या है। ये किस प्रकार के यज्ञ है? देखिए विष्णु महायज्ञ है। यज्ञस्य कल्प वृक्षाणाम, यज्ञ को कल्प जिसकी महिमा बताई गई है। जिस भाव से भी जो व्यक्ति माता बहने भाई बंधु परिक्रमा लगाएंगे यज्ञ नारायण भगवान की समस्त मनोकामनाओं को पूरे करेंगे। ये यज्ञ कल्प यज्ञस्य भूमस्य नाभि, भगवान विष्णु की नाभि बताया गया है यज्ञ नारायण भगवान को। जो भी श्रद्धा विश्वास के साथ यज्ञ नारायण की परिक्रमा लगाएंगे यज्ञ नारायण भगवान उन सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। इसमें कोई दुराव नहीं, केवल श्रद्धा और विश्वास की बात है, क्योंकि भवानी शंकर उगंदे श्रद्धा विश्वास रूप, भगवान शिव श्रद्धा के रूप है, माँ पार्वती विश्वास के रूप है। आपको भगवान विष्णु के चरणों में प्रेम है, श्रद्धा है, भाव है, तो विश्वास से आप यज्ञ नारायण की परिक्रमा लगाएं। ये कल्प वृक्ष है, यज्ञस्य कल्प वृक्षाणाम, ये कल्प वृक्ष की महिमा बताई गई है भगवान को। जो भी कल्पना लेकर के भावना लेकर के यज्ञ नारायण की जो भक्त माता बहने भाई बंधु परिक्रमा लगाएंगे यज्ञ नारायण भगवान की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। बोल यज्ञ नारायण भगवान। कितने दिन चल रहा है ये? अपना 10 तारीख को कलश यात्रा हुई थी, 12 तारीख को अरणी मंथन हवन कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था, 18 तारीख को यज्ञ नारायण की पूर्णाहुति है। कल समापन, कल 18 तारीख को पूर्णाहुति और भंडारा, संत सम्मेलन, पूर्णाहुति, भंडारा। इस यज्ञ के माध्यम से आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? इससे धर्म प्रचार है, धर्म का प्रचार होगा, आम सद्बुद्धि विद्या प्रदान होगी, उनका विवेक, उनको सत्संग में ज्ञान मिलेगा। यही है यज्ञ से क्या है। पढ़ के बता दे।
किस प्रकार की ये यज्ञ चल रहा है? यज्ञ समाज के कल्याण कहाँ पर हो रही है? और इस युग से समाज को क्या संदेश मिलता है? समाज जज से दृष्टि होती है, दृष्टि से होती है, समाज कल्याण है।